ये उस समय की बात है जब MI इंडिया में सिर्फ अपने फोन और फोन बेचा करता था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ MI ने हर कैटेगरी में अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। और फिर मेरी नजर एक दिन MI स्टोर पे पड़ी और मैंने सोचा चलिए देखते हैं। और जब मैंने MI स्टोर यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे पता लगा कि यार MI अब सिर्फ मोबाइल तक लिमिटेड नहीं लगा। और वैसे आपको पता होगा कि ओवर द टाइम MI ने फोन के साथ धीरे धीरे टीवी वाले डिवीजन में आ गए और यहाँ पे MI के टीवी और MI के फोन बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए इंडिया में। और वैसे अब देखा जाए तो MI सिर्फ स्मार्टफोन तक या MI टीवी तक लिमिटेड नहीं रह गया है। और फिर मैंने देखा कि यार कैटेगरी में चल के एक बार चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे देखो आप कैटेगरी बहुत सारी हो चुकी है MI की। और उसके बाद स्पेशली आप नीचे अगर आप स्क्रॉल करते हो तो आप देखोगे MI का जो प्रोडक्ट लाइन है बहुत ज्यादा हो चुका है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि MI सिर्फ फोन और टीवी वगैरह सेल कर रहा है। मेरी नजर पड़ी यार एक चीज पे जब मैं लाइफस्टाइल कैटेगरी में गया और यहाँ पे मैं MI स्टेशनरी के अंदर गया तो यहाँ पे मुझे दिखा है MI पेन। अब पहले मेरी क्यूरियोसिटी ये हुई कि यार MI पेन में ऐसी क्या चीज होगी। तो यहाँ पे दो टाइप के पेन आते हैं MI के। और फिर भाई जब बात आती है चेकअप करने की तो आपकी नजर हमेशा महंगे वाले आइटम पे जाती है, बिकॉज हर महंगी चीज कभी कभी अच्छी होती है। तो यार ये MI का रोलर बॉल पेन है जो कि MRP है 299। इसका जब ओवरव्यू देखा तो इसमें पता लगा कि भाई स्मूथ राइटिंग है इसमें और दिखने विखने में ऐसा है पेन। उसके बाद इसमें जो स्विस डिजाइन वगैरह है, कुछ इसकी जो इंक है वो जापान से आई है और 120 डिग्री तक आप इसको रोटेट कर सकते हो। 0.5 mm की प्रोसीजन है लिखने में और उसके साथ जो इंक है वो भी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। उसके बाद ये 50,000 बार आप इसको ओपन और क्लोज कर सकते हो, मतलब इतनी कैपेबिलिटी है। लेकिन इन सारी बकवास बातों के बाद एक चीज समझ में आई कि यार पेन दिखने में काफी प्यारा है। तो मैंने सोचा इस पेन को यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो भाई जल्दी से इसको ऐड टू कार्ट किया और यहाँ पे ऑर्डर कर दिया। ये कार्ट में आ गया है ऑर्डर और 179 का मिल रहा है, प्लस डिलीवरी चार्ज वगैरह लगेगा। यहाँ पे चेकआउट करते हैं इस आइटम को और यहाँ पे हम कर देते हैं प्लेस ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस हो चुका है और ये आ गई डिलीवरी। अब इसमें क्या क्या फीचर है ऑन पेपर वो मैंने अभी आपको दिखा दिया एप्लीकेशन के अंदर। करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं कि रियल में ये पेन दिखने में कितना प्यारा लगता है। तो भाई ये हमारे पास आ गया MI रोलर बॉल पेन, स्मूथ राइटिंग और फिर इनोवेशन फॉर एवरीवन। और ये जो भी लिखा हुआ है स्विस रिफिल है। अगर हम इसकी पैकेजिंग देख ले इतना कुछ नहीं है और पैकेजिंग बताने का मतलब नहीं है, बस जो आपका पेन है उसकी फोटो यहाँ पर छपी हुई है। MI पेन की ब्रांडिंग वगैरह है दोनों तरफ और पीछे डिटेल्स वगैरह है और इसमें क्या क्या है, तो उन सब की इतनी जरूरत है नहीं बिकॉज प्रोडक्ट इतना बड़ा नहीं है कि इसको हम इतनी डिटेल में पढ़ें। फर्दर इसको ओपन कर लेते हैं, हम पेन को निकाल लेते हैं यहाँ पे बाहर। तो ये आ गया हमारे पास MI का रोलर बॉल पेन। और यहाँ पे एक क्लोज लुक दूँ मैं आपको इसका तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तर ऐसे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं दोनों हाथों को तो एक ट्विस्ट होता है और यहाँ पे इसकी जो निब है वो बाहर आ जाती है। उसके बाद बात कर ले पेन की तो इतना कुछ है नहीं बताने के बारे में, बस दिखने में काफी प्यारा है, प्रीमियम है। उसके बाद जैसा लिखा तो इस पे कि बॉडी जो है पूरी मेटालिक है, तो हाँ वो चीज यहाँ पे देखने को मिल जाती है, बॉडी जो है मेटालिक है। हल्का सा वेट मतलब फील होता है पेन को जब आप हाथ में लेते हो। तो भाई ये ले लिया हमने पेज यहाँ पे और यहाँ पे इसको लिख के देख लेते हैं। लिखने में काफी प्रोसाइज है, क्वालिटी काफी अच्छी है, स्मूथ तो है जैसा लिखा था वो चीज़ तो है यहाँ पे, नो डाउट। तो ये ब्लैक कलर का पेन है, इसमें ब्लू मेरे ख्याल से अभी नहीं आता है इंडिया में। ब्लू जो है दूसरे वेरिएंट में आता है, लेकिन ये वाला जो वेरिएंट है प्रीमियम वाला इसमें ब्लैक ही आता है। तो मोस्टली मेरे ख्याल से इसको आप साइन वाइन करने में या ऑफिशियल पर्पज से इसको काम में ले सकते हो। बाकी इसको एक बार टेयर डाउन कर लेते हैं कि पेन के अंदर क्या है। जब इसको ओपन करते हैं तो ये यहाँ पे MI की रिफिल है और अंदर से भी पेन पूरा मेटालिक है। और भाई ये आ गया आपका यहाँ पे MI पेन। तो यार ये थी यहाँ पे सारी चीज़ें MI पेन के बारे में और मुझे लगता है आपको पेन पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। और इस वीडियो को करते हैं खत्म, आगे मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।